सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आपसी विवाद में दो सगे भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट, चार घायल। मामला गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के लोपीटी गांव का है, जहां दो सगे भाइयों के बीच आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से दो दो लोग घायल हो गए। बताया गया कि आज दोनों भाइयों के बीच पंचायत को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन मुखिया को देरी हो जाने के कारण पंचायत नहीं हो सका। इसी को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। फिलहाल चारों लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घायल चंदन रजक और अंकित रजक का कहना है कि हमारे दोनों भाइयों दिनेश रजक और अशोक रजक के द्वारा लाठी डंडे से वार करके सिर फोड़ दिया गया है। वहीं दिनेश रजक और घायल अंजू देवी का कहना है कि चंदन रजक और अंकित रजक और माला देवी के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमले की नीयत से वार किया गया है। फिलहाल घायल चार लोगों के सिर पर चोट आई है। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। कहाँ घर है? लंबीटी। क्या हुआ था? हुआ था हम मम्मी और छोटे भाई, हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं। अब छः भाई हम लोग जैसे होते हैं तो सब मम्मी को छोड़ दिया, सबको अलग हो गया। हम लोग तीन भाई जैसे अलग, दो भाई छोटे भाई, हम दोनों साथ में मम्मी के साथ रहते, पापा मेरा मैं। मम्मी हमको पोसा सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई साथ में रहे। अब इन लोग का कहना जैसे तुम बोलो मम्मी के साथ रहता है, इन लोग को वही लड़ा करके हमको जैसे मारपीट करते हैं। कौन लोग मारा? अशोक रजक, दिनेश रजक, सब परिवार है, सब बेटा। कहाँ रहते हैं लोग? पिटी भाई है, एक ही जगह झगड़ा लेके हुआ वही, मतलब तुम जैसे ले लिया है सब कुछ, मम्मी रखा है सब, तुम्हारा संपत्ति ले लिया है, तुम उसी मम्मी के साथ रहता है, सब कुछ तेरा है, सब दो। तो हम बोले मम्मी मांग लो, हमको क्यों मांगता है, जो मांगना है तो मम्मी मांग, मम्मी गार्जियन। तो उसी बात लेकर के जैसे हमको मारपीट भाग, तब तक मम्मी भी मारा है, छोटे भाई भी मारा है, मम्मी भी उधर इलाज करवा रहा है मेडिकल में। कितने लोग घायल हैं आप लोग? तीनों है, तीनों घायल है। क्या नाम है तीनों का? मेरा। तीनों क्या नाम है? चंदन रजक छोटे भाई है मेरा, और मेरा दुला रजक नाम है, मम्मी मेरा माला देवी।